नमस्कार दोस्तों, हम सभी जीव जंतु इस पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी के समान अनेकों ग्रह और उपग्रह मौजूद है। जिस तरह हम अपनी पृथ्वी पर रहते हैं, उसी तरह हो सकता है अन्य ग्रहों पर भी हमारी तरह जीव जंतु रहते हो, जिन्हें हम एलियन कहते हैं। क्या सच में एलियन होते हैं या फिर पूरे ब्रह्मांड में मात्र अकेले पृथ्वी पर ही जीव है? आइए इस राज को जानते हैं आज के इस वीडियो में। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। बस यूं समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी धरती के एक कण के बराबर भी नहीं है। इस धरती से कई गुना बड़े करोड़ों ग्रह हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सियां मौजूद है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हमारी गैलेक्सी में ही धरती जैसे लाखों ग्रह होंगे तो निश्चित है उनमें कुछ पर तो जीवन होगा ही। वहां पर भी मनुष्य और पशु पक्षी जैसे ही प्राणी रहते होंगे। हो सकता है उनमें से कुछ हमारी सोच से कमजोर हो और कुछ मनुष्य जाति से कई गुना बुद्धिमान और टेक्नोलॉजी में संपन्न हो। ऐसे ही लोगों को एलियन कहते हैं। एलियन का अर्थ है दूसरे ग्रह का निवासी। अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा ने हमारी आकाशगंगा के सर्वेक्षण के लिए केपलर मिशन 10 के नाम से एक परियोजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था प्लेनेट हंटिंग यानी जीवन योग्य ग्रहों का पता लगाना। ये अंतरिक्ष वेधशाला शक्तिशाली टेलीस्कोप से सुसज्जित थी, जो पृथ्वी जैसे आकार और गुणों वाले ग्रहों की खोज कर रहा है। ये भी पता लगाने की कोशिश हो रही है कि 400 अरब तारे और इतने ही ग्रहों वाली हमारी आकाशगंगा के कितने ग्रहों में जीवन संभव है। एक अध्ययन के अनुसार हमारी आकाशगंगा में 160 अरब ग्रह हैं, जहां एलियंस हो सकते हैं। नासा का कहना है कि एलियन की खोज अभी नहीं हुई है, लेकिन इसे नकारा नहीं जा सकता। नासा की खगोल विज्ञानी लिंडसे हेज कहती हैं कि हम सभी सबसे मुश्किल सवाल की खोज कर रहे हैं। लंबे समय से नासा ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने, उसे एक्सप्लोर करने और जानने के लिए एक्टिव तरीके से काम कर रहा है। हालांकि उनके प्रयासों के बावजूद आज तक किसी भी एलियन दुनिया को नहीं खोजा जा सका है। डॉक्टर का कहना है कि हम ऐसे और जगहों की खोज करते हैं जहां जीवन मौजूद हो सकता है। हमने अभी अभी दूसरे ग्रह पर खोज करना शुरू किया है। मंगल ग्रह पर 5 रोवर 4 लैंडर भेजे गए हैं। उनके शानदार कैमरे लाल ग्रह की तस्वीरें खींच रहे हैं, लेकिन हम अभी उसका एक छोटा सा हिस्सा ही देख सके हैं। हमारे सौर मंडल में कई और जगह है जहां जीवन हो सकते हैं। हमारे सौर मंडल की बात की जाए तो इन जगहों पर भी संभावना है कि एलियन हो सकते हैं, जैसे शनि के चंद्रमा, एनसेलेंडर और बृहस्पति के चांद, यूरोपा जैसे। इन बर्फीले चंद्रमा के नीचे महासागर छिपे हैं, इन महासागरों में जीवन हो सकता है। इसके अलावा नासा अन्य तारों के आसपास मौजूद अन्य ग्रहों को भी खोज करता रहा है। प्रसिद्ध अमेरिकी खगोल शास्त्री कार्ल सेगन के शब्दों को दोहराते हुए हेज कहती हैं, ये ब्रह्मांड इतना विशाल है और अगर हम यहाँ अकेले हैं तो ये अंतरिक्ष की एक जबरदस्त बर्बादी हो रही है। तो दोस्तों, इसी तरह आज तक ये राज बना हुआ था कि एलियन है या नहीं है, और अभी भी ये राज बना हुआ है। इस पे आज तक कई बहस होते आ रही है, कोई बोलता है कोई बोलता नहीं है, लेकिन इसका स्पष्ट उत्तर अभी तक नहीं मिला है। लेकिन एलियन को नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि इतने बड़े ब्रह्मांड में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सिर्फ इंसान ही रहते हो। कुछ और ग्रहों पर कुछ और प्रकार के जीव अवश्य रहते होंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में एलियन होते हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।